प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार वर्कशीट। आपको याद है ना, पिछली कक्षा में भी हमने गणित की कुछ मजेदार वर्कशीट हल की थी। जी टीचर जी, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। आज भी हम पिछली बार की तरह कई मजेदार वर्कशीट हल करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई वर्कशीट पर बात करेंगे। सबको याद तो है ना, पिछली वर्कशीट में हमने कम करना और घटाना सीखा था और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है इसके बारे में विस्तार से भी जाना था। साथ ही हमने ये भी सीखा था कि जब हम किसी वस्तु में से कुछ भाग किसी को दे देते हैं तो उसे घटाना कहते हैं। जी टीचर जी, हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, क्या आपको याद है कि हमने कैसे वर्कशीट को हल किया था, बता सकते हैं आप? जी टीचर जी, मैं बता सकता हूँ, मुझे पूरी तरह से याद है। अच्छा राजू भैया, तो बताइए क्या क्या याद है आपको? टीचर जी, हमने पिछली वर्कशीट में दी गई संख्याओं को घटाकर देखा था। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। बहुत अच्छे राजू भैया। अब सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 53 के पेज नंबर 53 को ही खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 53 के पेज नंबर 53 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मैं आपको कुछ निर्देश पढ़कर सुनाऊंगी, जिसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा और फिर बाद में सभी को बताइएगा। जी टीचर जी। बच्चों, ये एक गतिविधि है, दिया है मोड़ कर तो देखो। यहाँ बच्चों, हमें कुछ वस्तुओं के नाम पता करना है और उसे मोड़ कर बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। जी टीचर जी। तो राजू भैया बताइए, आपको अपनी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? टीचर जी, मेरी कक्षा में गेंद, डिब्बा, चौक, बोर्ड, डस्टर, आइसक्रीम, टोपी, टिफिन, रबर और फुटबॉल आदि हैं। शाबाश राजू भैया। अच्छा, आपको गोलाकार कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? यहाँ तो सिर्फ डिब्बा ही है, लेकिन ये बेलनाकार है टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अच्छा बताइए, कागज को गोल गोल मोड़ने पर वो कैसा दिखाई देगा? टीचर जी, कागज को गोल गोल मोड़ने पर वो भी बेलनाकार दिखाई देगा। शाबाश राजू भैया। अच्छा राजू भैया, ये बताइए, बेलनाकार या पाइप जैसी भी कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? जी टीचर जी, कक्षा में चौक, पंखे की रॉड है। राजू भैया, ये बताइए कि चौक को मोड़ने पर कैसा दिखेगा? टीचर जी, चौक को मोड़ने पर तो दो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और पंखे की रॉड को मोड़ने पर वो वी या तिकोने जैसा दिखाई देने लगेगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपको घनाकार या बॉक्स जैसी कोई वस्तु दिखाई दे रही है? जी टीचर जी, जैसा कि आपने पिछली कुछ वर्कशीट्स में बताया था कि कमरे का आकार घनाभाकार या बॉक्स जैसा होता है, तो फिर हमारा क्लासरूम भी तो घनाकार ही हुआ ना? शाबाश राजू भैया, बहुत ही अच्छा बताया आपने। आपको तो पिछला बहुत कुछ याद है। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट के प्रश्नों पर। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। समान आकार की वस्तुओं का मिलान करें। जी टीचर जी। बच्चों, आप सभी ने कभी किसी एक समान आकार की वस्तुओं का मिलान किया ही होगा, जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि। उदाहरण के लिए, हमारे पास अगर मिलान करने के लिए एक दरवाजा है और एक गेंद, इनको मिलान करने के लिए हमारे पास एक खिड़की और एक फुटबॉल है, तो किसका किससे मिलान करेंगे? मैं आप सभी को बता रही हूँ कि हम एक समान वस्तुओं से ही मिलान कर सकते हैं, इसलिए दरवाजे का मिलान खिड़की से होगा, गेंद का मिलान फुटबॉल से होगा। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, आप बता सकते हैं कि कागज को मोड़कर और क्या क्या बना सकते हैं? जी टीचर जी, बहुत सी आकृतियों को हम सब कागज को मोड़कर बना सकते हैं,
जैसे कागज को मोड़कर हम गेंद भी बना सकते हैं, जिसे बनाकर हम सभी खेल सकते हैं, और हम कागज को मोड़कर टोपी भी बना सकते हैं, और हम इसमें रंग भी भर सकते हैं, फिर हम इसे सिर पर लगा भी सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगती है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा राजू भैया, आपने आइसक्रीम तो खाई ही होगी। जी टीचर जी। आपने देखा है कि आइसक्रीम का आकार कैसा होता है? इस प्रकार हम भी कागज से इस प्रकार की आकृति को बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं टीचर जी। अच्छा राजू भैया, आपने क्लास में कभी रबर का उपयोग तो किया ही होगा। जब पेंसिल द्वारा हम कुछ भी लिखते हैं और गलत हो जाता है तो उसे रबर के द्वारा ही मिटाते हैं। जी टीचर जी। राजू भैया, आप अपने पेन, पेंसिल, रबर जिसमें रखते हैं उसे क्या कहते हैं? टीचर जी, हम जिसमें अपने पेन पेंसिल रखते हैं ना, उसे बॉक्स ही कहते हैं, जो कि घनाभाकार होता है। बिल्कुल सही राजू भैया। राजू भैया, आप सभी ने फुटबॉल तो खेली ही होगी, बताइए इसका आकार कैसा होता है? टीचर जी, हम सब ने फुटबॉल खेली है, इसका आकार गोल होता है। राजू भैया, आपको पता है हम घर पर छोटी बड़ी चीजों को रखने के लिए कई सामग्री का उपयोग करते हैं, जैसे डिब्बे आदि। जी टीचर जी। राजू भैया, इसी प्रकार हमें अपनी वर्कशीट में दी गई वस्तुओं का मिलान करना है। जी टीचर जी। प्रश्न दिया है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। पहला, समान आकार की वस्तुओं का मिलान करें। हमारे पास चार कॉलम दिए हैं, उन चार कॉलमों में अलग अलग आकार की वस्तुओं को दिया गया है, और इन चार खंड के सामने इनसे मिलान करने के लिए चार मिलती जुलती वस्तुओं को दिया गया है, जिनसे हमें मिलान करना है। हमारे सामने पहले कॉलम में गोल आकार में गेंद को दिया गया है, और सामने वाले कॉलम में चार वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी वस्तुओं में से फुटबॉल का आकार गोल है, इसलिए गेंद का मिलान फुटबॉल से होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में एक लंबा पाइप दिया गया है, और सामने वाले कॉलम में चार वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी वस्तुओं में ऊपर वाले डिब्बे की लंबाई सबसे ज्यादा है, इसलिए पाइप का मिलान होगा ऊपर वाले डिब्बे से, क्योंकि दोनों ही बेलनाकार हैं। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगले सवाल को मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, आगे आप हल कीजिए। टीचर जी, तीसरे खंड में एक शंकु के आकार की टोपी बनी हुई है, और सामने वाले कॉलम में चार वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी वस्तुओं में शंकु के आकार की आइसक्रीम दी गई है, इसीलिए शंकु के आकार की टोपी का मिलान आइसक्रीम से होगा। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। इस कॉलम में एक रबर दी गई है, और सामने वाले कॉलम में चार वस्तुओं को दिया गया है, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम, बॉक्स और फुटबॉल। इन सभी में डिब्बा, आइसक्रीम और फुटबॉल से रबर का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए रबर का मिलान बॉक्स से होगा। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी बच्चे अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज आओ करें और सीखें कि वर्कशीट नंबर 54 के पेज नंबर 54 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 54 के पेज नंबर 54 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। दिया है, ठोस वस्तु का उसकी सही ट्रेस की हुई आकृति से मिलान कीजिए। जी टीचर जी। आपको पता है हम कागज को मोड़कर कई प्रकार की आकृतियों को बना सकते हैं, जैसे गोल आकृति, त्रिकोण आकृति, आयताकार आकृति, और इसी प्रकार हम बहुत सारी आकृतियों को बना सकते हैं, ठीक है ना? राजू भैया, आपको पता है गेंद किस आकार की होती है? जी टीचर जी,
गेंद गोल होती है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब सभी बच्चे देखें कि इस वर्कशीट में 5 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें कुछ आकृतियों को दिया गया है और उसके सामने उसी प्रकार की ठोस आकृतियों को दिया गया है जिनसे हमें मिलान करना है। तो चलिए हम पहले कॉलम एक को देखते हैं। कॉलम एक में आयत की आकृति दी गई है और सामने वाले कॉलम में भिन्न भिन्न आकृतियां दी गई हैं, जैसे त्रिकोण, गोल, 6 कोण, 5 कोण और चौथे कॉलम में घनाभ की आकृति दी गई है, जो कि सभी ठोस आकृतियां हैं। इसलिए आयत आकृति का मिलान चौथे नंबर की ठोस आकृति घनाभ से होगा, क्योंकि घनाभ से ही ट्रेस करके आयत बना है। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला कॉलम मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, कीजिए आप हल। दूसरे कॉलम में त्रिभुज की आकृति को दिया गया है और सामने वाले कॉलम में भिन्न भिन्न आकृतियां दी गई हैं, जैसे त्रिकोण, गोल, 6 कोण और 5 कोण। इन सभी में सबसे ऊपर त्रिभुज की ठोस आकृति को दिया गया है। टीचर जी, इनमें से त्रिभुज की आकृति का मिलान सबसे ऊपर की त्रिभुज की ठोस आकृति से होगा, क्योंकि ये ठोस प्रिज्म को सीधा रखकर ट्रेस करने से बनेगा। शाबाश राजू भैया, मुझे लगता है आकृतियों का मिलान करना आपको बहुत अच्छे से आ गया है और हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सभी आकृतियों को अच्छी तरीके से मिला पा रहे होंगे। तो अब कुछ और आकृतियां बची हैं, आपको इनका भी मिलान करना है, लेकिन घर पर कक्षा के बाद। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अब बच्चों, आज की गणित की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं।